हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज गिरीश रावत। वेलकम सी यू इन योर चैनल मार्गदर्शन क्लासेस। सो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड लेक्चर ऑफ क्लास 10, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ जाना था कार्बन के बारे में। आशा करता हूँ पुराना लेक्चर आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को देखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके क्लास 10 का। 7 मार्क्स का ये आता है और जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको केयरफुली रीड करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जानेंगे आज कार्बन के वर्सटाइल नेचर के बारे में। ठीक है, कि जो कार्बन जो एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये एक नॉन मेटल है और इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, जो बाहर वाली सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो 4 पाए जाते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 4। कॉन्फिगरेशन करेंगे 2 और 4, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 4 हैं। ये हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये लंबी चेन बनाने की टेंडेंसी रखता है ना। पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, यूनिक प्रॉपर्टी है। यूनिक का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी कैटेनेशन की किसी और एलिमेंट की नहीं पाई जाती। ठीक है, वैसे हजारों की संख्या में अलग अलग तरीके के कंपाउंड बनाए जाते हैं, मेडिसिंस बनाई जाती हैं, जगह जगह उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जो कैटेनेशन वर्ड का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, एबिलिटी टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, ये एक लंबी चेन बनाता चला जाता है। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी किसी और एलिमेंट में नहीं है। अगर है तो वो हल्की फुल्की किसके पास में है? सिलिकन के पास में है, जो कि सिलिकन जो है दो फॉर्म्स में पाया जाता है, S6 और S8। और जैसे ये S6 या S8 की फॉर्म में आ जाता है, ये अनरिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, इसके जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं, जो बॉन्ड ये बनाता है, ठीक है ना, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ये आपको पता है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि शेयरिंग से इसके बॉन्ड बनते हैं। कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है? हमेशा कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? जो बराबर की शेयरिंग से बनते हैं। तो इसके जो बॉन्ड बनते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ही स्टेबल होते हैं। चलिए, ये वर्सटाइल प्रॉपर्टी को जाना हमने कि किस तरह से कार्बन एक वर्सटाइल नेचर यानी यूनिक प्रॉपर्टी रखता है। यूनिक मतलब सबसे अलग। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो आपके 10th ही नहीं बल्कि 11th और 12th में भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, वो है आपका हाइड्रोकार्बन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ढंग से पढ़ें। ठीक है ना, इसका आधा पार्ट इस लेक्चर में कराऊंगा, आधा मैं अगले में कराऊंगा। तो देखिए, हाइड्रो और कार्बन नाम से आपको पता चल रहा होगा, हाइड्रो और कार्बन यानी कि वो कंपाउंड जो दो एलिमेंट से मिलके बनते हैं, सिर्फ दो एलिमेंट, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ ओनली टू एलिमेंट्स दैट आर हाइड्रोजन एंड कार्बन। वो एलिमेंट कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं उनको हम? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन को समझने के लिए देखिए, एक बेसिक सा पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी चेन है, ठीक है, कार्बन की क्या है, कोई भी चेन है और उसमें अगर कार्बन एक है तो उसके लिए मैथ यूज़ करते हैं, दो है तो एथ यूज़ करते हैं, कार्बन अगर तीन है तो प्रोप यूज़ करते हैं, कार्बन चार है चेन में तो ब्यूट यूज़ करते हैं, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, नौ है तो नॉन, 10 है तो डेक। इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब थोड़ा सा बेसिक जानते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में कि इनका क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है। इनको आप अच्छी तरीके से देखिए। देखिए कि जो हाइड्रोकार्बन हैं वो दो टाइप के होते हैं आपके, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका नाम होता है दूसरा एल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं दोस्तों? एल्केन्स कहते हैं। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एल्कीन्स और दूसरे होते हैं एल्काइन्स, एल्कीन और एल्काइन्स, इस तरह से होते हैं इनका क्लासिफिकेशन। अब डिफरेंस देख लीजिए कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है। हमेशा याद रखें कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। टोटल बॉन्ड कितने बनाएगा? 4। न 4 से कम बनाएगा न 4 से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसकी बार वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8। जब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा और वो किसी के साथ फिर रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये क्या कोशिश करता है? हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन अपनी बार वाली सेल में अचीव करने की कोशिश
करता है। तो जब एल्केन्स हैं, यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो एक दो तीन चार, इस तरह से चार बॉन्ड बनेंगे। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, n रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स को। चलिए अब बात करते हैं एल्किन्स के बारे में। तो एल्किन्स में क्या होता है, देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड। जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्काइंस में दोस्तों क्या होता है, देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, तीन बॉन्ड पाए जाते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, तीन। एक चीज़ आप समझ लीजिए कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा एक ही बॉन्ड बनेगा, क्यों? इसका आप रीजन समझ लीजिए कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड ही लगेगा या दो क्यों नहीं लगा सकते। इसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ कि जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है, और इसमें जब एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी कि प्रोटॉन्स अगर 1 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 1। और अगर किसी भी एलिमेंट के पास एक ही सेल है, क्या है, एक सेल, तो पहली सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। बाकी सभी सेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8-8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के पास तो एक ही सेल है, तो इसके पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। चलिए अब यहाँ से देखते हैं कि ये कार्बन है, इसने अपने चार इलेक्ट्रॉन इस तरह से रखे, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, तो अपना भी तो इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया। अब हाइड्रोजन के पास में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन अगर यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड लगा दूँ, तो कार्बन अपने 2 बॉन्ड यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, तो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई किसी तरीके से, एक ही अपना रखेगा, 3 हो जाएंगे, तो 3 की कभी पॉसिबिलिटी नहीं होती, 2 यहाँ पर हमेशा सिंगल बॉन्ड ही लगेगा, सिंगल बॉन्ड से ये स्टेबल हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं थोड़ा सा इनके बारे में, थोड़े फॉर्मूले डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इनका क्लासिफिकेशन होता है एल्केन्स, एल्किन्स और एल्काइन्स में, है ना, एल्केन्स, एल्किन्स और एल्काइन्स में इनका क्लासिफिकेशन होगा। उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वो क्लासिफिकेशन किस तरह से होगा। तो देखिए सबसे पहले एल्केन्स के बारे में जानेंगे। जनरल फार्मूला आपको पता ही है, CnH2n+2। फिर एल्किन्स के बारे में जानेंगे, CnH2n, और फिर एल्काइन्स के बारे में जानेंगे, CnH2n-2, CnH2n-2। तो इसको मैं आपको ट्रिक से ही बताऊंगा, ऐसे ही बताऊंगा। देखिए कि अगर यहाँ पर कार्बन की संख्या एक है, n की जगह पर मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम रख देता हूँ, तो C(H)2(1+2), तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, CH4 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन एक है, तो मैंने क्या बताया था कि जब कार्बन एक होता है तो क्या लगाते हैं, मैथ, और किसका फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पर, एन का फॉर्मूला किसका लगा हुआ है, एन का, तो इसका नाम हो जाएगा मैथेन। क्या नाम हो जाएगा, मैथेन हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कार्बन 2 ले लेता हूँ तो एच तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन एन कब लगेगा, देखिए क्या ये इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, C2H2(2+2), तो C2H6। देखिए C2H6, अगर कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6 है तो वो हो जाएगा आपका एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। और किस तरह से याद रख सकते हैं, देखिए कि एल्केन को हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल प्लस 2 होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कार्बन अगर 3 है तो डबल कितना हो गया इसका, 6, और प्लस 2, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। कार्बन अगर 4 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 × 8 + 2, यानी 10 हो गया। तो देखिए अगर कार्बन 3 है तो प्रॉप लगाते हैं, और फॉर्मूला डबल प्लस 2 वाला लगा हुआ है तो एन लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। ये सारे के सारे मॉलिकुलर फॉर्मूले निकल रहे हैं। उसी तरीके से अगर C4 है तो H कितना हो जाएगा, डबल प्लस 2, 4 × 8 + 2, 10 हो गया, यानी कि ब्यूटेन। अगर मान लीजिए C7 है तो 7 × 14 + 2 = 16, ये हो गया आपका C7 पे क्या आता है, हेप्ट और एन। C9 है तो H कितना हो गया यहाँ पर, 20, यानी कि नॉन एन। ये इस तरह से होंगे। अब एल्किन्स पे आते हैं,
क्या मीथेन बनता है? मीथेन कभी नहीं बनता, क्योंकि कार्बन एक है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं लग सकता। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कभी भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं लग सकता, ये अभी बताया है मैंने, क्योंकि हमेशा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। उसकी बार वाली सेल में दो इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये क्लियर है। उसके बाद देखिए कि एल्किन्स की पहचान कैसे होगी। कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड लग सकता है, तो देखिए अगर कार्बन दो है तो हाइड्रोजन उसका जस्ट डबल हो जाएगा, CnH2n एग्जैक्टली डबल हो जाएगा, तो C2 है तो H4 हो जाएगा, यानी कि इथीन, EN ही लग गया। देखिए C3 है तो H6 हो जाएगा, यानी कि प्रॉप इन, है ना। C4 है तो H8 हो जाएगा, यानी कि ब्यूटीन। ठीक है, ऐसे ही C7 है तो H14 हो जाएगा, डबल हो जाएगा हेप्टीन। इस तरह से होते चले जाएंगे, यानी कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड आएंगे? दो बॉन्ड लगेंगे। उसी तरीके से ये मिथाइन नहीं बनेगा, इसमें क्या होगा? डबल में से भी -2, आप देख सकते हैं डबल में से भी -2 किया हुआ है, तो CnH2n-2 ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें से भी दो घटा देंगे तो देखिए C2H2, जिसको कहेंगे हम इथाइन, है ना। वाई एन ही लग गया, ये ए एन ही है, ये ई एन ही है और ये वाई एन ही है, तो ये इथेन है, ये इथीन है और ये इथाइन है। क्लियर हो रहा होगा डिफरेंस क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का, यहाँ डबल प्लस टू, जो कितने कार्बन है उसके डबल प्लस टू, यहाँ एग्जैक्टली डबल, और जो डबल है उसमें से भी जब आप -2 कर देंगे तो वाई एन ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए C3 है तो H, यहाँ पर 6 था तो 4 हो गया, यानी कि प्रोपाइन। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड लाएगा और इनके बीच में कितने बॉन्ड लाएंगे? तीन। इन में कितने बॉन्ड लाएंगे? डबल। एन में कितने बॉन्ड लाएंगे कार्बन कार्बन के बीच में? सिंगल। क्लियर है। यहाँ उसी तरीके से ब्यूटाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H6 डबल, C4H8 होता है तो डबल में से भी दो, यानी कि ब्यूटाइन। C4C7H12 यानी कि हेप्टाइन। उसी तरीके से ये वाई एनी वाला ग्रुप जो है फॉर्म होता चला जाएगा। चलिए थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर जानेंगे कि किस तरह से आप इनको बना सकते हैं। मैं अभी बताता हूँ आपको कि सबसे पहला हमने स्ट्रक्चर लिया दोस्तों, सबसे सिंपल वाला। एल्केन के भी बताऊंगा, एल्कीन के भी बताऊंगा और एल्काइन के भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम CH4 को ले लेते हैं। तो कार्बन के बारे में हम क्या जानते हैं? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। पहली सेल कम्प्लीटली फिल्ड है, दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? चार। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? हमेशा चार बॉन्ड बनाता है कार्बन, हमेशा याद रखें, हमेशा के लिए जब तक आप पढ़ेंगे। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा? फोर। क्या एक साथ चार लेंगे? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं? चार हैं। तो देखिए इस कार्बन को मैंने यहाँ पर रख दिया, कार्बन को यहाँ पर रखा, और इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? चार हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर हाइड्रोजन रखे, कितने हाइड्रोजन हैं? चार, चार है ना CH4, 1 2 3 और 4। हर हाइड्रोजन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन रखा, 1 2 3 4। अब ये देखिए क्या कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए? कार्बन के पास कितने होने चाहिए तो बार वाली सेल में? 8। तो 2 2 4 तो 6 और 2 8। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 हो गए। क्या हाइड्रोजन के पास 2 हो गए? क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाता है। इसके पास 2 हो गए, इसके पास 2 हो गए, इसके पास 2 हो गए और इसके पास भी 2 हो गए। चलिए ये तो सिंपल सा था, थोड़ा सा और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए C3H8, C3 जब आ गया तो यहाँ पर प्रॉप लग गया। अगर कार्बन 3 है तो क्या लगेगा? यहाँ पर प्रॉप लगेगा, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? एन। देखिए डबल प्लस टू वाला फॉर्मूला लग रहा है, कैसे एन की पहचान करेंगे? जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल प्लस टू होंगे। चलिए अब एक चीज़ ये देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर आप बनाएंगे कैसे। तो इसको देख लेते हैं, कार्बन कितने? 3 हैं, 1 2 और 3। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। हर कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 4 है। एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रख दिया। ऐसे ही एक इसने यहाँ रखा, एक इसने अपना यहाँ रखा, एक यहाँ रखा और एक यहाँ रख दिया। इसके पास भी 4 है, 1 2 3 और 1 4। अब देखें जरा, इन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स तो रख दिए, है ना, सिंगल सिंगल एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया अपने बीच में। एक इसने रखा, एक इसने रखा, एक इसने रखा, एक इसने रखा। अब हाइड्रोजन कितने हैं?
हाइड्रोजन देखिए 8 हैं, कितने हैं 8। तो इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको। देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ रखा, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, एक अपना यहाँ रखा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हाइड्रोजन रखा एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हाइड्रोजन रखा एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हाइड्रोजन रखा इसका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हाइड्रोजन रखा इसका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हाइड्रोजन रखा इसका एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देखते चले जाइए कि इस कार्बन के कितने होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। इसके कितने हो गए, 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 शेयरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए, 8 हो गए। और देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हो गए, इसके 2 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 हो गए, इसके भी 2 हो गए, और इसके भी 2 हो गए। अब एक चीज़ आपको दिक्कत यह आ रही होगी कि सर ये हमें इस तरह से समझ में नहीं आया, कैसे पता चलेगा। चलिए एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस में आपको यही लेके आना। जैसे कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 3 हैं। तो देखिए एक सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, 2 सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, 3, ठीक है। तो 3 आपने ये बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास में, हाइड्रोजन है 8। अब आपको 8 हाइड्रोजनों को रखना है, लेकिन कैसे कैसे रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, एक। तो अगर एक बॉन्ड इसने बना रखा है तो ये कितने बॉन्ड और बनाएगा, 3 और बनाएगा, क्योंकि टोटल कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर देखिए एक हमने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, तो 1 2 3 4 कितने हो गए दोस्तों, 4 बॉन्ड हो गए। अब इस कार्बन का देखिए, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, एक आगे बना रखा है और एक पीछे बना रखा है, एक आगे बना रखा है एक पीछे। तो यहाँ पर भी कितने बॉन्ड बना सकते हैं आप, क्योंकि 2 तो पहले से ही बने हुए हैं, तो ऊपर और नीचे 2 बॉन्ड और लगा सकते हैं। तो कितने बन गए इसके, इसके भी 4 हो गए। देखो 1 2 3 4। अब इसके पास देखो, इसके पास कितने, सिर्फ ये आगे ही तो है, यानी कि एक, इसके पास तो 2 गए, 2 थे आगे भी और पीछे भी। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, ये बनाएगा आपका 3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल हाइड्रोजन 8 हो गए। क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पर आप इसको किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं। जहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड लगा है, वहाँ वहाँ हम क्या लगा सकते हैं, 2 2 इलेक्ट्रॉन लगा सकते हैं। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। चलिए ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। चलिए थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या ले लिया कि C5H12, भाई डबल प्लस 2 होगा, तो इसका नाम है पेंटेन। क्या नाम है, पेंटेन। तो पहले मैं इसका क्या बनाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक, पहले मैं इसको बॉन्ड वाला बनाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर में आपको चेंज करना है। तो C5 यानी कार्बन कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 और 5। कितने कार्बन रखे हैं आपने यहाँ पर, 5 कार्बन रख दिए, ऐसे ही रखेंगे 1 2 3 4, क्योंकि एन है तो सिंगल बॉन्ड ही आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं आएगा। जहाँ पर इन आएगा वहाँ डबल बॉन्ड आएगा, जहाँ पर आयन आएगा वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अब देखिए कि ये कितने बॉन्ड बना सकता है, इसने तो एक ही बना रखा है तो 3 बनाएगा, क्लियर है, 3 हाइड्रोजन रख दिए हमने। इसने कितने बना रखे हैं, एक आगे बना रखा है एक पीछे बना रखा है, तो कितने बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। इसको देखिए एक आगे बना रखा है एक पीछे, ये कितने बनाएगा, ये भी अभी 2 बनाएगा। इसको देखिए ये कितने बनाएगा, एक आगे बना रखा है एक पीछे, तो ये भी बनाएगा। इसको देखिए, ठीक है, एक है तो 3 और बनाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 4 बॉन्ड सब बना रहे हैं, तो एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, और 4 बॉन्ड का मतलब हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन सब 8 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहे हैं, और हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है तो 2 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। कुछ प्रैक्टिस करें, जैसे मान लीजिए कि C8H18 इसका बना के देखिए, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ऑक्टेन। चलिए अब थोड़े से एल्किन्स के बारे में आ जाते हैं दोस्तों, है ना, थोड़ा सा एल्किन्स। एल्किन्स का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड।
तो मान लीजिए कि मीथिन तो बनेगा नहीं, मीथिन तो बनेगा नहीं, तो क्या बनेगा? इथिन बनेगा। तो इथिन का फॉर्मूला क्या होगा कि अगर एथ में कार्बन दो हैं तो हाइड्रोजन चार हैं, अगर कार्बन दो हैं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे वहाँ पर? चार हो जाएंगे। चलिए मैं दोनों कार्बनों को यहाँ पर रख देता हूँ, बॉन्ड से सीखेंगे फिर इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर से भी सीख लेंगे। तो कार्बन कितने हैं? दो हैं, एक और एक दो, और कार्बन कार्बन के बीच में क्योंकि इन लगा हुआ है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आप लगा देंगे। क्लियर है कि अगर इन लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे आप? डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ तो आपने ये डबल बॉन्ड लगा दिया, अब ये वाला जो कार्बन है ठीक है ना, कितने बॉन्ड और बना सकता है? भाई दो तो इसने बना लिए, अब ये बनाएगा दो बॉन्ड और बनाएगा, हो गए ना चार, एक दो तीन चार। ये वाला कार्बन कितने बनाएगा? ये भी दो ही बना पाएगा, ये भी कितने बनाएगा? दो बनाएगा। तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में कैसे लाएंगे? जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, जहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ वहाँ पर चार रख दीजिए। कैसे? जैसे ये कार्बन है एक दो तीन चार ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है तो एक दो लगा दीजिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है एक दो लगा दीजिए, हाइड्रोजन रख दीजिए, यहाँ पर एक दो, यहाँ पर एक दो ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर आठ हो गए पूरे, यहाँ पर भी आठ पूरे हो गए, यहाँ पर दो दो हो गए। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी कि जहाँ पर डबल बॉन्ड आता है वहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड आता है वहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन रखते हैं। चलिए और थोड़ा सा जानेंगे, जैसे प्रोपीन का बनाना है तो C3H6 एग्जैक्टली डबल हो जाता है, ये तो आपको पता ही है। एग्जैक्टली क्या हो जाएगा यहाँ पर? डबल। अगर कार्बन तीन है तो हाइड्रोजन सिक्स हो जाएगा ना। लेकिन अब दिक्कत क्या आएगी यहाँ पर, ये देखिए कि ज़्यादातर बच्चे जो गलती कर देते हैं वहाँ समझें कि कार्बन कितने हैं? कार्बन है तीन, एक दो और तीन, तो बात डबल बॉन्ड की है, इसका नाम है प्रोपीन। तो जब इन की बात हो रही है तो डबल बॉन्ड लगेगा। अब बात आती है कौन सी जगह डबल बॉन्ड लगेगा ठीक है, क्या दोनों कार्बन एटम पर लगेगा? ये इधर और इधर नहीं, सिर्फ एक ही कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड लगता है, हमेशा याद रखना सिर्फ एक पे। तो जो पहला है उस पे लगेगा, या तो आप इसको पहला मान लीजिए या फिर आप इसको पहला मान लीजिए। तो जब आप यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे तो ये कितने बॉन्ड और बना सकता है? दो बॉन्ड और बना सकता है। इसने कितने बॉन्ड बना लिए देखें जरा, दो और एक तीन, दो और एक तीन, तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा? ये एक बनाएगा। ये कितने बनाएगा? देखिए एक बना रखा है इसने, नज़र आ रहा है आपको, एक बना रखा है, तो ये कितने बनाएगा? एक दो तीन। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर हो रही होगी आपको। तो ये हो जाएगा, देखिए इसको हम और कैसे लिख सकते हैं कंडेंस फॉर्म में, अगर कंडेंस फॉर्मूला यही मैं आपको लिखना बता देता हूँ अभी। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं, कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? तीन, CH3 सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है आगे, CH कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जैसे मान लीजिए कि आपको पेंटीन बनाना है, पेंटीन, तो सबसे पहले आपके दिमाग में मॉलिकुलर फॉर्मूला आना चाहिए कि पेंट की बात हो रही है तो पांच होंगे और हाइड्रोजन कितने होंगे उसके? डबल हो जाएंगे, यानी कि 10, C5H10, ये पेंटीन हो गया। क्या हो गया? ये पेंटीन। अगर बात होती है कि भैया बताइए कि पेंटीन का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, तो C5H10 हो जाएगा। तो अब इसका मान लीजिए मुझे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला बनाना है और कंडेंस फॉर्मूला बनाना है। तो मैं पहले इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको बना के बता देता हूँ। कितने कार्बन हैं? पाँच हैं, एक दो तीन चार और पाँच, कितने हैं? पाँच। लेकिन याद रखना कि डबल बॉन्ड क्योंकि इन हैं एक ही कार्बन एटम पर आएगा जिसको हम पहला कार्बन एटम मानेंगे, तो या तो हमारा ये वाला कार्बन एटम पहला हो सकता है या ये बीच वाले कार्बन एटम पहले नहीं हो सकते। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, तो इसने तो दो बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड पूरे करने हैं आपको, हाइड्रोजन लगाने हैं 10। तो देखिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे? दो लगेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। उसके बाद देखिए ये कार्बन है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्योंकि दो और एक तीन हो गए तो एक चार, यहाँ पर देखिए एक और एक दो, तो यहाँ पर ये देखिए ये भी चार हो गए, यहाँ पर देखिए एक और एक दो, यहाँ पर देखिए ये भी चार हो गए, यहाँ पर देखिए एक है, तो कितने बनेंगे यहाँ पर? तीन बनेंगे।
क्लियर हो रहा होगा। टोटल देखिए क्या 10 ही हैं, 2, 3, 2, 5, 7 और 3, 10, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, इस तरह से आपका वो इलेक्ट्रॉनिक डॉट हो जाएगा। अब बात आती है कंडेंस फॉर्मूला, बताइए। चलिए तो कंडेंस कैसे हो जाएगा, देखिए इस कार्बन के पास कितने हैं, हाइड्रोजन 3 है, फिर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, इसके पास 2 हैं, इसके पास 2 हैं, इसके पास 1 है, डबल बॉन्ड CH2। ये क्या बन गया दोस्तों, ये कंडेंस फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, कंडेंस। चलिए बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, हमेशा याद रखना कि जिसको आप पहला कार्बन एटम मानेंगे उसी पर डबल बॉन्ड आएंगे। उसी तरीके से मैं बात करता हूँ कि पेंटाइन, तो पेंटाइन में देखिए C5 हो जाएगा और H8 हो जाएगा, डबल में से ही माइनस का क्या कर देंगे आप, 2 कर देंगे, तो C5 है छोटो, 8 H8 हो गया, क्लियर है। तो कितने कार्बन रखेंगे आप, 5 रखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आएगा, ये बीच वाले कार्बन एटम पे नहीं, यहाँ पहले ही कार्बन एटम पे जिसको हम पहला मान लिया, तो इसको मान सकते हैं या इसको मान सकते हैं। तो ये देखिए 3 इसने बॉन्ड पहले बना लिए, कितने बॉन्ड और बनाएगा, 1। अब देखिए 3 इस कार्बन के कितने बॉन्ड हैं, 3 और 1 पीछे लगा हुआ है, 4। यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं आएगा। इस वाले कार्बन को देखिए 1 और 1 2, तो यहाँ पर कितने आएंगे, 2 आएंगे। इस कार्बन एटम को देखिए 1 और 1 2, तो 2 आएंगे। इस कार्बन एटम को देखिए सिर्फ 1 लगा हुआ है, तो कितने आएंगे, यहाँ पर आएंगे आपके 3, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया। इलेक्ट्रॉनिक वाला आप 3 3 इलेक्ट्रॉन लगा देना। उसी तरीके से देखिए इसको हम कैसे कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 C, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज कंडेंस फॉर्मूला। तो आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा, और भी हम स्ट्रक्चरल और ऐसे मॉलिकुलर फॉर्मूले, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको आगे भी इसी तरीके से लेक्चर मिलते रहें, सपोर्ट करते रहें, कोऑपरेट करते रहें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।